Welcome to Health Talks with Only My Health. Today we'll be talking about osteoporosis. Osteoporosis is a bone disease that affects the strength and density of the bones. It can occur at any age. People with osteoporosis are at a high risk of fractures even while doing normal activities like standing or walking. Today we have with us Dr. Dhananjay Gupta, Director Orthopedics, Fortis Hospital. Dr. Dhananjay, welcome to Only My Health. Thank you so much for inviting me over, Puja. Dr. Dhananjay, what are the early signs of osteoporosis? Osteoporosis is one such condition which remains symptomless or rather painless situation. Osteoporosis can be prevalent for some time and you present with an acute fracture. Now, something which is very particular about these fractures is they are low intensity or low energy fractures. Like you are standing, you had a fall. Usually, it should not cause a fracture in a normal bones. But if it's an osteoporotic bone, it's then likely to get fractured. So this is about the, let's say, a particular age group. If you look at the older age group, you find your nannies or dadis over the period of time, you will see that they have started stooping forward. So they have this awkward stooping posture. And the second thing is their height starts decreasing. If they are fond of wearing trousers, you will find that the length has increased now of the trousers. And with this stooping posture and decreasing height, your lungs' vital capacity or your stomach capacity also starts decreasing. Osteoporosis kin karanon se hota hai and what are the risk factors? Osteoporosis ek aisi bimari hai jo ki honi honi hai. Jaise aapke baal safed hote hain, cataract hota hai, waise hi isme bhi hona hi hona hai. Aur isse koi ghabrane wali baat nahi hai. Auraton ke andar osteoporosis jaldi hota hai. क्योंकि मीनोपॉज जब आता है ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर बंद हो जाता है. इसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइप का सेल जो कि हड्डियों को खोखला करता है वो एक्टिवेट हो जाता है. उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, जैसे कि जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर ज़्यादा इंसिडेंस है. अगर आप शराब पीते हैं, शराब का भी स्पेसिफिक लिमिट है, जैसे 14 यूनिट्स पर वीक औरतों के लिए है, 21 यूनिट्स पर वीक आदमियों के लिए है. अगर इससे ज़्यादा अगर आप पी रहे हैं तो आप में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं? ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक हाई रिस्क ग्रुप पहले ढूंढना पड़ता है. हम लोग मानते हैं कि विमेन पोस्ट मेनोपॉजल और मेन बियॉन्ड 65 to 70 ईयर्स ऑफ एज, नंबर वन. नंबर टू, व्हेन यू हैव सच टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, यू आर कंज्यूमिंग शराब या सिगरेट, अगर आप ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं तो वो हाई रिस्क ग्रुप हो गया आपका. नंबर तीन, अगर आपका बॉडी वेट कम है, इट मे कम एज अ सरप्राइज टू यू, लेकिन कुछ फैट का एक ऐसा मेटाबॉलिक सपोर्ट सिस्टम होता है वो, कि जो लोग मोटे हैं, फैट ज़्यादा है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस देर से होता है. जो पतले लोग हैं उनके अंदर जल्दी हो जाता है वो. तो टेस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं. एक इमेजिंग, जिसके अंदर हमारा एक्सरे है. एक्सरे से आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं मिल सकता है. जो गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग टेस्ट जो हम लोग मानते हैं वो डेक्सा बोन स्कैन है, ड्यूअल एनर्जी एब्जॉर्प्शियोमीटर. डेक्सा के अंदर एक लो एनर्जी एक्सरेज हम लोग बोन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, तो उससे हम लोगों को जो बोन की डेंसिटी है उसके बारे में आइडिया मिलता है. डॉक्टर, व्हाट आर द कॉमन मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड? आप क्या रेकमेंड करते हैं, गोलियां खाना या फिर इंजेक्शंस लेना? ऑस्टियोपोरोसिस का जो ट्रीटमेंट है उसको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक कैटेगरी हो गई आपकी सप्लीमेंट्स. सप्लीमेंट्स के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, इस टाइप के बहुत से सॉल्ट्स हैं या मिनरल्स हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं, विच आर मेंट फॉर जनरल वेल बीइंग ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स एंड मसल्स एज वेल. फिर दूसरी कैटेगरी आती है हमारी थेरेप्यूटिक्स. थेरेप्यूटिक्स मीन्स कि जो आपका मरीज है वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस हो गया है, अब उसको हमने ट्रीटमेंट देके उसे कंट्रोल में करना है. इसमें पेशेंट की एज नंबर वन, नंबर टू प्रेजेंटिंग फैक्टर्स कि उसमें वो किस स्टेज पे हमारे पास आया है, तीसरा उसकी वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है.
कि हमें उसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, कि हमें उसको सिर्फ ऑस्टियोक्लास्ट रोकने वाली व्हाट वी कॉल एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स वो देने हैं, या फिर बोन फॉर्मिंग ड्रग्स वो देने हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका अगला सवाल था गोलियां के इंजेक्शन। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि आपको गोलियां खाना ज़्यादा पसंद है कि इंजेक्शंस लेना ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, कोई भी ऐसी दवा जो कि आपको कम बार लेनी पड़ती है, जैसे हफ्ते में एक बार हो गया या साल में एक बार हो गया, तो उसमें कॉम्प्लायंस इज़ बेटर फ्रॉम द डॉक्टर्स प्रेफरेंस पॉइंट। इंजेक्शंस दे आर डेफिनेटली बेटर, कॉम्प्लायंस इज़ बेटर। नंबर टू, आप गोलियां खाते हैं उससे आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तीसरा, अगर आपने मेडिसिन खाई और खाली पेट नहीं लिया, उसमें कोई और अगर खाने का पदार्थ आपके पेट के अंदर है, तो उससे उस दवा का एब्जॉर्प्शन रेट अफेक्ट होता है। इंजेक्शंस कब लेने चाहिए, वीकली, डेली या फिर मंथली? जो बोन फॉर्मिंग वाले जो इंजेक्शंस हैं वो सिर्फ एक ही सॉल्ट आता है और वो इंसुलिन की तरह आपको रोज़ लेना पड़ता है, जस्ट खाल के नीचे, सबकुटेनियस। उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो सिर्फ 2 साल का है, उससे ज़्यादा आप उसको नहीं ले सकते हैं वो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उसी कंडीशंस के अंदर देते हैं हम लोग, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट है कि सर्टेन मेडिसिन जो कि आपको लेने ही लेने हैं, ऐसे ये जो मेडिसिन हैं आपको लेने ही लेने हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है हमारे पास, तो कोई ऑप्शन नहीं है, ख़त्म लेना ही है अपना वो। दूसरा, जो हम लोग एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स जो हैं जो कि हड्डियों को खोखला होने से जो बचाते हैं, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने 6 मंथली लेना है कि 1 ईयर लेना है, तो ये पेशेंट का जो कॉम्प्लायंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। क्या इन इंजेक्शन या मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू रिकमेंड? हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। अगर हम लोग थेरेप्यूटिक एजेंट्स जो हैं हमारे, जैसे मैंने पहले बताया, 2 टाइप के हैं, एंटी रिजॉर्प्टिव्स एंड बोन फॉर्मिंग। एंटी रिजॉर्प्टिव्स आपको, अगर आप ओरल फॉर्म में ले रहे हैं, टेबलेट्स फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपको गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो। और अगर आपने सही टाइम पे उनको नहीं लिया है तो उनका एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होने से आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा, जो इसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो द पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर आपने इसको लंबे समय तक लिया एंटी रिजॉर्प्टिव्स को, तो ये जो बोन्स का जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उससे इंटरफियर करता है। ऐसे केस में जो पेशेंट्स हैं वो एटिपिकल फ्रैक्चर्स ऑफ थाइस, थाई बोन, दैट इज फीमर बोन, उसके साथ आते हैं वो। इसलिए इन मेडिसिन को हम लोग 3 साल से ज़्यादा एक बार में नहीं देना पसंद करते हैं। तो ये तो हो गया अबाउट एंटी डिजॉर्प्टिव्स। फिर दूसरा, जो बोन फॉर्मिंग हमारे एजेंट्स हैं, टेरिपेराटाइड हार्मोन, तो ये एक हार्मोन है जो कि बोन के अंदर स्टिमुलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर सेल बनाने के लिए। तो जितने भी इस तरह के जो स्टिमुलेंट्स होते हैं ये कई बार कैंसर कॉज कर सकते हैं, हालांकि इंसिडेंस काफ़ी कम है, और ये सिर्फ एक ही बार एक पेशेंट के लाइफ टाइम में दिया जा सकता है। दूसरी बार अगर हम लोग देते हैं तो उसके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। Does exercise help in preventing the problem? Also, what exercises do you recommend? जो बॉडी का जो रूल है, यूज इट और लूज इट। एक्सरसाइजेस बेसिकली हम लोग 3 टाइप की मानते हैं। एक होता है आपका वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें आपका चलना, भागना, दौड़ना, कूदना, ये सब चीज़ें हैं जिससे बोन के ऊपर लोड आता है। तो ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस आपकी बोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है आपका रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, कि जो मसल्स हैं, मसल्स के अगेंस्ट आप वेट उठा रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, इससे जो मसल्स की जो टोन है या स्ट्रेंथ है वो आपका मेंटेन रहता है। फिर तीसरी टाइप की एक्सरसाइज होती हैं हमारी रिफ्लेक्स बिल्डिंग या कोऑर्डिनेशन या बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, जिससे कि आपका कोऑर्डिनेशन है, अब आप खाना खा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन अगर ठीक है तो ये यहाँ पे जाएगा, नहीं ठीक है तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, आपकी बॉडी के ऊपर स्पिल हो सकता है। हाउ कैन वन प्रिवेंट फ्रैक्चर्स? व्हाट इज द आइडियल ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स? प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स इन एल्डरली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, खासकर आजकल सर्दियों के अंदर।
आपका रिफ्लेक्सेस बहुत स्लगिश हो जाते हैं, तो इस समय जो एल्डरलीज हैं वो काफ़ी प्रोन हैं फॉल्स के और फ्रैक्चर्स के। अब ये हमें प्रिवेंट कैसे करता है, इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस हैं। नंबर वन, आपका जो बेड या चेयर से उठ के आप जहाँ भी एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, जैसे बाथरूम जाते हैं आप या आप किचन जाते हैं, तो वो एरिया फ्लोर आपका शुड बी वेल लिट। नंबर टू, वो जो आपका पैसेज है उसमें क्लटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नंबर तीन, अपना सॉक्स पहन के अगर आप चलते हैं तो आपके फिसलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे में या तो आप पूरा का पूरा कारपेट उसको आप करवा लें, या सॉक्स आप ऐसे पहने जिनके नीचे रबड़ की लेयर होती हो, जिससे कि आपका जो स्लिप होना है वो कम हो जाएगा। वो कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, इस एज के अंदर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप एक्टिव रहें, चलते रहें। दैट्स द ओनली वे टू इंश्योर कि आपका ऑस्टियोपोरोसिस वर्सन नहीं होगा। आपका जो मसल मास है, अगर आपको बिस्तर पे दो दिन तीन दिन से ज़्यादा अगर लेटना पड़ जाता है, तो आपका जो मसल मास है वो 10% पर डे के हिसाब से लॉस होना शुरू हो जाता है। तीसरा, जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं, जो कोऑर्डिनेशन है, वो आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है। इन सब कारणों के होते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि फ्रैक्चर होते ही हिप जॉइंट का हम उसे विद इन 24 आवर्स ऑपरेट कर दें, जिससे कि आप नेक्स्ट डे से ही खड़े होकर चलना फिरना शुरू कर दें। बिकॉज मोबिलिटी इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। जो शरीर है हमारा, जब तक चलता फिरता रहेगा, बाकी बीमारियों से बचा हुआ रहेगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको वापस हम चलना फिरने की लाइफ बना दें। तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स हमारे हिप के एरिया में हो जाते हैं। दूसरा, जो स्पाइन है हमारी, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर हड्डियाँ जो है वो पिचक जाती है। तो हिप के लिए तो हमने बताया कि या तो हम रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन कर देते हैं या उसको फिक्स कर देते हैं, जिससे कि आप खड़े होकर चल सकें। दूसरा, जो हड्डियाँ जो हमारी पिचक जाती हैं रीढ़ की हड्डी की, उसमें हम लोग एक बैलून डाल के उसको इन्फ्लेट करते हैं, फुलाते हैं और सीमेंट डाल देते हैं। तो जो खोखली हड्डियाँ हैं उनके अंदर सीमेंट आ जाता है, तो वो स्ट्रांग हो जाती हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका दर्द ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण आपका चलना फिरना वापस शुरू हो जाता है। How much calcium and vitamin D do I need every day so that I can get enough of these nutrients? On an average, for me and for you, agar hum log 1 gram calcium per day and 200 international units of vitamin D agar consume kar rahe hain, tab hame supplements ki zarurat nahi hai. Dr. Dhananjay, thank you for all the useful tips that you shared with us today. Thank you so much, Pooja, for inviting me over.